दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना के नगर निगम के नवनियुक्त कमिश्नर जीके सिंह ने सोमवार को अपना पदभार संभाल लिया है। जोन डी कार्यालय में पदभार संभालने के उपरांत कमिश्नर ने समूह आला अधिकारियों के साथ मुलाकात कर शहर में चल रही व्यवस्था तथा सुधार करने के संदर्भ में चर्चा की। इस मौके पर लुधियाना के सभी भाजपा पार्षद, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व जिला भाजपा प्रधान ने जीके सिंह को पद संभालने पर बधाई दी। वहीं उन्होंने कमिश्नर के साथ एक बैठक की। बैठक में सिटी बसों को लेकर बातचीत की गई। इस मौके पर जिला भाजपा प्रधान प्रवीण बांसल ने कहा कि सिटी बस को चलाने के लिए 135 रुपए के करीब प्रतिदिन किराया फिक्स किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सारे काउंसलर समेत सीनियर डिप्टी मेयर सुनीता अग्रवाल, डिप्टी मेयर आरडी शर्मा जी और पार्षद दल के लीडर गुरदीप सिंह नीटू जी ते सारे काउंसलर अज असीं कमीशन नूं मिले हां, जिथे उन्हां दा असीं स्वागत कीता लुधियाना आते। उस नाल नाल एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, जिस तरह की साढ़े को इनफॉर्मेशन से कि कारपोरेशन जो सिटी बस सर्विसिज है वो ठेके दे रहे हैं। 105 बसा एक ही बंदे ठेके दिते जा रही हैं और ठेके देन वास्ते इस तरह दियाँ कंडीशन लगाइया ताकि कुछ बंदे फिल्टर हो जाए और अपने बंदे असी वो ठेका दे सकी।